हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल हैंड। दोस्तों, ये बचे हुए कपड़े से बहुत ही ब्यूटीफुल सी हम बैग बनाएंगे। तो देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा कपड़ा है जिसका मैंने फॉर्म नॉन वन से क्विल्ट कर लिया है। 7x7 इंचेस के ऐसे दो स्क्वायर पीस ले लिए। अब हम यहाँ पे 1 इंचेस पे दोनों साइड मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस तरीके से हमें क्रॉस में एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ से हमें कट करना है। अब हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम दूसरे पार्ट को भी उसी के नाप से कट कर लेंगे। तो देखिए, ये दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब हमें ऐसे इसे फोल्ड करना है और ऊपर की ओर से हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है। तो दोनों पार्ट को हमने राउंड शेप दे दिया है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 5 इंचेस पे मार्क किया है दोनों साइड इस तरीके से। अब हम वहाँ पे ये बॉर्डर अटैच करेंगे। तो बॉर्डर का नाप है 17x2.5 इंचेस। अब बॉर्डर को हमें ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है और दोनों साइड हमें ऐसे खुले छोड़ना है। अब हम ऐसी स्ट्रिप लेंगे 43x2.5 इंचेस की और इसमें हमें ऐसी बची हुई नॉन वन है या फिर कोई भी थिक कपड़ा आप इसमें डाल सकती हैं और फिर फोल्ड करके हैंगर बना लेंगे। तो यहाँ पे हैंगर हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। हैंगर हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमें इससे छोटी सी स्ट्रिप लेनी है 7.5x2.5 इंचेस की और सेंटर में इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें 7.5 इंचेस की जिप को लेना है और ऐसे स्टिच करके प्रेस स्टिच करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी प्रेस स्टिच हो गई है। अब हम इसमें रनर को डाल देंगे जिप के अंदर। तो ये हमारा जिप के अंदर रनर डाल दिया है। अब हम यहाँ पे ऐसे जोड़ के स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे। प्रेस स्टिच हमारा हो गया है। अब हम पूरे राउंड में यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने ऐसे स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पे जोड़ के स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर लिया है। अब हमें ऐसा छोटा सा पार्ट लेना है 5.5x4.5 इंचेस का और ये जिप को लेना है और यहाँ पे ऐसे अटैच करके स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम जिप के अंदर रनर डाल देंगे और ये जो दूसरा पार्ट है ना, वहाँ पे हमें ये पॉकेट बना लेना है और पूरे राउंड में स्टिच करना है। अब हमें इसे ऐसे कॉर्नर से पकड़ना है दूसरे पार्ट को और ऐसे रख के पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। स्टिच हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे कवर सिलाई करेंगे। तो ऐसी स्ट्रिप कट के ऐसे पकड़ के पूरे राउंड में स्टिच करना है। तो देखिए, दोनों पार्ट में हमने कर लिया है। अब हम हमारी बैग को सीधा करेंगे। तो देखिए, बहुत ही यूजफुल सी, बहुत ही प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी हमारी बैग रेडी हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।